अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से। ये जो नज़ारा है यहाँ पे, जो खूबसूरती है और जो व्यू यहाँ से देखने को मिलता है ब्रिज के ऊपर से, वो रियली बहुत ही खूबसूरत है। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। लेकिन चूँकि मैं अभी जिस तरफ से हूँ, तो चूँकि सूरज की रोशनी जो है वो मेरे तरफ से आ रही है, तो जो खूबसूरती आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो नहीं दिख पा रहा होगा सूरज की रोशनी की वजह से। अगर ये सूरज की रोशनी हमारे सामने से होती तो फिर आप बहुत ही अच्छे से उन व्यू को देख पाते। बहुत ही खूबसूरत इनॉर्बिट मॉल का भी है, इसी तरीके से ITC कोहिनूर का, और इस एरिया में जितनी भी बिल्डिंग बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ और आप देख करके इसको इंजॉय कर सकें। वो एरिया जो वहाँ बोटिंग पॉइंट है, आप वहाँ पे जा करके बोटिंग कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं। और ये लेक है, इस लेक के साइड साइड जो बिल्डिंगें बनी हुई है वो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। लेकिन चूँकि सूरज की रोशनी हमारे सामने से आ रही है, इस वजह से वो धुंधलापन सा हो रहा है। अब मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि अगर हम शाम के वक्त हो जाए, जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो जाए, तो उसके बाद का सीन भी बहुत ही खूबसूरत देखने का लगेगा। बस हम इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सूरज गुरूब हो जाए और यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें वगैरह हैं और ये, और फिर ये कि ये ब्रिज के अंदर जो लाइटिंग वगैरह है वो जल्द से जल्द चालू हो जाए, तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम इसी इंतज़ार में। अच्छा, यहाँ भी लोग भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अभी चूँकि मैं वक्त से पहले आ गया हूँ तो इस वजह से लोग यहाँ पे नहीं। आम तौर पे यहाँ पे लोग जो है वो सूरज गुरूब होने के बाद, सूरज यानी ढल जाने के बाद, उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सनसेट के बाद जो है ना लोग यहाँ पे आते हैं। मैं चूँकि तकरीबन 1.5 आवर पहले आ चुका हूँ, बिफोर आ चुका हूँ, इसकी वजह से अभी लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं हैं। परिंदा, इसकी आवाज़ देखो। वहाँ उस तरफ सामने में जो है ना, से दीवार है, तो जो भी खाना मेरे यहाँ बच जाता है, जैसे कि चावल वगैरह हो गए या रोटी वगैरह हो गए, तो इन सारी चीज़ों को जो है उस दीवार पे रख देते हैं। ये छोटी छोटी परिंदा जो है ना, वो आता है वहाँ पे और उसको खा लिया करता है जब भी होता है। तो हमेशा जब भी बाहर में निकलेंगे तो उस दीवार पे जो है ना, एक ना एक परिंदा वहाँ पे बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो है ना दाना वगैरह रहता है इन लोगों के खाने के लिए। अब भी ये भाई साहब यहाँ पे चलेगा उड़ करके, वहाँ यहाँ पे अक्सर रहता है। वो एक कटोरी सा है, एक प्याला सा बना हुआ, वो यहाँ पे रख देते या यहीं पे ला करके रख देते यहाँ से यहाँ तक, तो वो लोग आ करके और वो परिंदा खा लिया करता है। मैं सोच रहा कि फिर मैं ला करके कुछ चावल यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं उन लोगों को खाने का हो। हमेशा डाला करते हैं, जब भी बच जाता है या थोड़ा बहुत अगर दिन में रहा तो उसे। इसको अभी यहाँ रख दे रहे क्योंकि अजान हो रही हो जाए, तो उसके बाद हम बात करते हैं। तो अब अजान ख़त्म हो गई है, तो अजान ख़त्म होने का ही हम इंतज़ार कर रहे थे। लुक तो खैर अच्छा आ रहा है इसको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रखूँ, लेकिन अब यहाँ पे कैसे रखूँ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल एक तो ये है चश्मा जो मैं पहले पहना करता था, इसको निकाल ले रहा हूँ पहले। ये है तकरीबन 7 महीने से ज़्यादा हो गया है कि जब से मैं निकाला हूँ तो इसको पहना नहीं। तो आज पता नहीं कि दिल कर रहा था कि बहुत पुराना है, पहले पहनते थे, तो
तो आज इसको पहन करके देखते हैं और कैसा लगता है। हालांकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत इसको पहना हूँ, पहले मैं बहुत पहनता था। आई थिंक ये तो अच्छा लग रहा है बहुत बार यार इस वीडियो के इसमें शूट करते हैं। आज जो ये टी शर्ट है जो मैं पहली दफ़ा आज पहना हूँ, कुछ दिनों पहले मतलब एक हफ्ता पहले हम गए थे विशाल, तो ये मुझे पसंद आ गया था, बहुत अच्छा लगा था। और ये कि कपड़ा अगर आपको देखने में भी अच्छा लगे, फिर उसके बाद देखे अगर आप उसको ट्राई कर रहे हैं और आपके बदन पे वो फिट भी कर जा रहा है, तो फिर आपका दिल बिल्कुल चाहता है कि मैं इसको ले ही लूँ किसी भी हाल में। तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, एकदम फिट फाट लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। फिर दूसरा था एक ये टी शर्ट, इसका कलर जो है येलो कलर, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका कलर की वजह से इसको भी जब हम ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में गए इसको पहने तो बहुत अच्छा लगा, तो इन दोनों के ले लिए। तो हो सकता है कि आगे व्लॉग के अंदर वीडियो के अंदर आपको ये टी शर्ट देखने को मिले। सो ट्रेवल से रिलेटेड जितनी भी किताबें वगैरह होती है, मैगजीन्स बुक्स हो गए, ये सब बहुत पसंद, मैं बहुत पढ़ता हूँ। लोगों के बारे में जानना, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में जानना, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को जानना, कल्चर को जानना, लैंग्वेजेस जानना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा जो ट्रेवल से रिलेटेड जो है बुक वगैरह मैं ऑर्डर करता हूँ, जैसे कि अक्सर आउटलुक ट्रेवलर है, ये ऑर्डर कर देता हूँ। एक भाई साहब यहीं पे है जो न्यूज़पेपर सुबह सुबह बेचते हैं, वो लाते हैं, तो उसी को मैं जाके कह देता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस मंथ का ये चाहिए, तो फिर वो ला करके वो मुझे दे देते हैं। जो पैसे होता है मैं उसको पहले पैसे दे देता हूँ, कहते हैं कि पैसे आप मुझे दे दीजिए। और हर मंथ का ये आउटलुक हो गया, जब भी टाइम मिलता है खाली रहता हूँ तो ये पढ़ता रहता हूँ। अच्छा लगता है मुझे लोगों के बारे में जानना, जगह के बारे में जानना, लाइफ स्टाइल के बारे में जानना, कल्चर के बारे में जानना, इंसान किस तरह के ज़िंदगी की किन किन दौरों से गुजरना पड़ता है, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, किन किन खुशियों के साथ उसको जीना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली मुझे। इसी तरीके से है डिस्कवर इंडिया, ये भी मैं मंगाता हूँ हर मंथ का, एवरी मंथ का मैं ऑर्डर करता हूँ वो न्यूज़पेपर वाले भाई साहब। नेशनल जियोग्राफिक ट्रेवलर हो गया,